हेलो फ्रेंड, गर्मी में कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। अच्छा नहीं होंगे तो अच्छा रहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो हलचल फूड में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम बनाने वाले हैं वाटर मिलन का सलाड बनाएंगे। तो एकदम देसी स्टाइल करते हैं आज का वाटर मिलन सलाड, कैसा होता है क्या होता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना एंड तक, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फटाफट करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सब्जियाँ को भिगा लेंगे, क्योंकि सब्जियाँ को भीगने में 10 मिनट लगता है। तो सब्जियाँ को भिगा लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। अभी वाटर मिलन को काट लेंगे। आज किचन में कोई नहीं है, बीरू है, मैं हूँ और मामा है। एक बार आपको किचन दिखाता हूँ। किचन में कोई नहीं, ये मामा है। जय महाराज। वाटर मिलन को काट के पूरा काटिंग रेडी हो गया। चलिए इसको आगे का कार्रवाई शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं। पहले डालेंगे बॉम्बे मसाला, चाट मसाला के जैसे ही है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है। तो ये सब्जियाँ को भिगो के रखा था, सब्जियाँ पूरा भीग गया है। तो अब डालेंगे इसमें सब्जियाँ। सब्जा पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, ठंडक पहुंचाता है। अब डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर डाल दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा पुदीना पत्ता। ये डाल दिया पुदीना पत्ता। अब इन सब चीज़ को एक साथ मिक्स करेंगे। तो सब कुछ एकदम मिक्स कर लिया अच्छे से। अभी इसको एक कटोरी में डाल लेते हैं। तो अभी मामा बताएगा। मामा खा के बताओ, पूरा प्लेट ले लो। मामा टेस्ट करेगा कैसा हुआ, बताएगा मामा। अच्छा हुआ। कैसा लग रहा है?
उसमें चाट मसाला डाला है। हाँ, नहीं, टेस्ट कैसा है? पुदीना डाला है, टेस्ट अच्छा है। अच्छा, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, और फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो पे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, फिर मिलते हैं।